पेज नंबर 391 से पेज नंबर 404 तक। इसलिए उनके मन में किसी भी वस्तु की लालसा ना थी। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वश में था। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से असुर होने पर भी उनमें असुरी संपत्ति का लेश भी नहीं था। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आए हैं, तथापि ये आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। युधिष्ठिर, यों तो देवता उनके शत्रु हैं, परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है, तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर आप जैसे अज्ञात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अनगणित गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही गुण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। युधिष्ठिर, प्रहलाद बचपन में ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत की कुछ शुद्ध बुद्धि ना रहती थी। उन्हें ऐसा जान पड़ता कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं। इसलिए उन्हें सोते, बैठते, खाते, पीते, चलते फिरते और बातचीत करते समय भी उन बातों का ध्यान बिल्कुल न रहता। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए, इस भावना में उनका हृदय इतना डूब जाता कि वे जोर जोर से रोने लगते। कभी मन ही मन उन्हें अपने सामने पाकर आनंदोद्रेक से ठठाकर हंसने लगते। कभी उनके ध्यान के मधुर आनंद का अनुभव करके जोर से गाने लगते। वे कभी उत्सुक हो बेसुरा चिल्ला पड़ते। कभी कभी लोक लज्जा का त्याग करके प्रेम में छक्कर नाचने भी लगते। कभी कभी उनकी लीला के चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद ही ना रहती, उन्हीं का अनुकरण करने लगते। कभी कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल संस्पर्श अनुभव करके आनंद में मग्न हो जाते और चुपचाप शांत होकर बैठ रहते। उस समय उनका रोम रोम पुलकित हो उठता, हाथ खुले नेत्र अविचल प्रेम और आनंद के आंसुओं से भरे रहते। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की ये भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संगत से ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे स्वयं तो परमा आनंद में मग्न रहते ही थे। जिन बेचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो रहा था, उन्हें भी बार बार शांति प्रदान करते थे। युधिष्ठिर, प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकश्यपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, आपका व्रत अखंड है, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने पिता होकर भी ऐसे सुहृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया? पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो वे उसे शिक्षा देने के लिए डांटते हैं, शत्रु की तरह वैर विरोध नहीं करते। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल सुहृदय एवं गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कर ही कैसे सकता है? नारद जी, आप सब कुछ जानते हैं। हमें ये जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा ये कौतूहल शांत कीजिए। पांचवा अध्याय, हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके दो पुत्र थे, शंड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकश्यपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही,
तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधापतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरे की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकश्यपु ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरु जी के घर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने ना पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरु जी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ न बोलना, ये तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसी हो गई? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है। प्रहलाद जी ने कहा, जिस मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से ये झूठा दुराग्रह होता देखा गया है। ये अपना है और ये पराया, ये मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं, तब मनुष्यों की पाश्विक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो ये मैं हूँ और ये मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा ये आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका ना जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेद्यज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खींचा आता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा भी चित संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खींचा जाता है। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा बेंत तो लाओ, ये हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलांगर को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्यवंश के चंदन वन में ये कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हुआ? जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करते हैं, ये नादान बालक उन्हीं का बेंट बन रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद के साम दाम भेद और दंड के संबंध की सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकश्यपु के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकश्यपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। युधिष्ठर, हिरण्यकश्यपु ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगाने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, चिरंजीव, बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरु जी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण, उनका कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकश्यपु के होंठ फड़फड़ाने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, रे नीच ब्राह्मण, ये तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न की और इस बच्चे को कैसे निस्सार शिक्षा दे दी?
अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं जो मित्र का बाना धारण कर छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलाई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरु पुत्र ने कहा, इंद्रशत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वो मेरे या और किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, ये तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब गुरु जी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकश्यपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता कहाँ से प्राप्त हुई। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृहस्थ पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेदवाणी रूप रस्सी के काम्य कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं, उनको ये बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही है। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है, परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूर्ण सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकश्यपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बातों को वो सह न सका, रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वो कहने लगा, दैत्यों, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो, ये मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला अपने सुहृद स्वजनों को छोड़कर ये नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो ना हो, इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब ये विश्वास की योग्य नहीं है। 5 बरस की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दुस्तज वात्सल स्नेह को भुला दिया वो कृतघ्न भला विष्णु का ही क्या हित करेगा। कोई दूसरा भी यदि औसत के समान भलाई करे तो वो एक प्रकार से पुत्री ही है, पर यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोगों के समान वो शत्रु है। अपने शरीर के किसी अंग से सारे शरीर को हानि होती है तो उसको काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर सुख से जी सकता है। ये स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका अनिष्ट करती हैं, वैसे ही ये मेरा अहित करने वाला है। इसलिए खाने सोने बैठने आदि समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। जब हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी तब तीखी दाढ़ विकराल वदन लाल लाल दाढ़ी मूछ एवं केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मन वाणी के अगोचर सर्वात्मा समस्त शक्तियों के आधार एवं परब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ होते हैं। युधिष्ठिर, जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर न हुआ तब हिरण्यकश्यप को बड़ी शंका हुई। अब वो प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े बड़े हट से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्य राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, शंबासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया, बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबा दिया,
परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वो अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल विवाह का न कर सका। अपनी विवशता देखकर हिरण्यकश्यपु को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। वो सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के बहुत से उपाय किए, परंतु ये मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया। वो बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। हो ना हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे सुनाशेप अपने पिता की करतूतों से उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही ये भी मेरे किए उपकारों को ना भूलेगा। ना तो ये किसी से डरता है और ना इसकी मृत्यु ही होती है। इसकी शक्ति की थाह नहीं है, अवश्य ही इसके विरोध से मृत्यु होगी। संभव है ना भी हो। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य पुत्र शंड और अमरक ने जब देखा कि हिरण्यकश्यपु तो मुंह लटकाकर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे ये बात कही, स्वामी आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। आपके भौहें टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है? जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते, तब तक ये डरकर कहीं भाग न जाए, इसलिए इसे वरुण के पाशों से बांध रखिए। प्रायः ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकश्यपु ने अच्छा ठीक है कहकर गुरु पुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मांधों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन ग्रस्त नरपति किया करते हैं। युधिष्ठर, इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और क्रमशः धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहाँ अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी ना लगी, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देते थे। ये शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष और द्वंद और विषय भोगों में रस ले रहे हों। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण समवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गाथा भी छिपी न थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए से उन्हें उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर, वे सब अभी बालक ही थे, इसलिए राग द्वेष परायण विजय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इससे और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपने खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया तथा प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेशों को मन लगाकर बड़े प्रेम से एक टक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया तथा वे उनसे कहने लगे,